हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। मैं प्रशांत पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पीआर नॉलेज सेंटर में। फ्रेंड्स, लूसेंट की सीरीज की वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं पुष्य भूति राजवंश के बारे में, जिसे वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था गुप्त साम्राज्य के बारे में, जो कि बहुत बड़ा साम्राज्य और भारत का स्वर्ण काल कहा जाता था। इसे गोल्डन एज ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। ये क्यों कहा जाता था, ऐसा मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पुष्यभूति राजवंश के बारे में। तो गुप्त राज्य वंश के पतन के बाद कुछ नए राजवंशों का उदय होता है, जैसे मौखारी, मैत्रक, परवर्तीगुप्त और पुष्यभूति राजवंश। अब इन सभी राजवंशों में से एक प्रमुख राजवंश होता है जो है पुष्यभूति राजवंश, और बाकी जो राजवंश है मौखारी, मैत्रक या परवर्तीगुप्त, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इनका बहुत ज़्यादा उल्लेख नहीं पाया जाता है। इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण राजवंश था वह था पुष्यभूति राजवंश या वर्धन वंश। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पुष्यभूति राजवंश को और किस नाम से जाना जाता है। पुष्यभूति राजवंश को वर्धन वंश नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पुष्यभूति राजवंश के बारे में। तो जो इन जितने भी राजवंश गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उदय हुए, इन सभी राजवंशों में से पुष्यभूति राजवंश के शासकों ने महान साम्राज्य स्थापित किया था। इसके अलावा किसी राजवंश ने बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हुआ या बहुत ज़्यादा विस्तारित नहीं हुआ, लेकिन जो पुष्यभूति राजवंश था, इसके शासकों ने पुष्यभूति राजवंश का साम्राज्य बहुत विशाल बनाया और पूरे भारत में लगभग ये फैल गए थे। तो इसने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। अब पुष्यभूति राजवंश का उदय आखिर होता कहाँ से है। तो पुष्यभूति राजवंश का उदय होता है हरियाणा के थानेश्वर से। तो आप याद रखेंगे, पुष्यभूति राजवंश का उदय कहाँ से हुआ, हरियाणा के थानेश्वर से पुष्यभूति राजवंश का उदय हुआ था। अब बात करें अगर इस वंश के संस्थापक की, आखिर इस वंश का स्थापक था कौन, तो इस वंश का संस्थापक था पुष्यभूति। इसी ने अपने नाम पर पुष्यभूति राजवंश का उदय किया था। इसने पुष्यभूति राजवंश की राजधानी थानेश्वर को बनाया। थानेश्वर फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम में हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है, जो कि वर्तमान में थानेश्वर नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, जो ये पुष्यभूति था, ये शैव मत का अनुयायी था। यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला, पुष्यभूति राजवंश का संस्थापक कौन था। पुष्यभूति राजवंश का संस्थापक पुष्यभूति था, और इसने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, तो इसने अपनी राजधानी थानेश्वर में स्थापित की थी। इसके बाद हम चलते हैं प्रभाकर वर्धन के बाद। जो प्रभाकर वर्धन था, ये पुष्यभूति राजवंश का एक बहुत बड़ा या बहुत फेमस नाम था। पुष्यभूति राजवंश का प्रभाकर वर्धन बहुत फेमस नाम था। क्यों था फेमस नाम, क्योंकि प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति राजवंश का स्वतंत्रता का जन्मदाता था। इस शासक ने ही प्रभाकर वर्धन ने ही पुष्यभूति राजवंश को स्वतंत्र कराया था और एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की थी इसने, प्रभाकर वर्धन ने। अब प्रभाकर वर्धन जो था, यह शैव मत का अनुयायी था। प्रभाकर वर्धन किसका अनुयायी था, शैव मत का अनुयायी था। प्रभाकर वर्धन पहला ऐसा शासक था, यह कह सकते हैं कि पहला ऐसा प्रभावशाली शासक था पुष्यभूति राजवंश का, जिसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। फ्रेंड्स, मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि जैसे कि हम गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे हैं, तो गुप्त साम्राज्य में जितने भी शासक आए और उसके बाद जितने भी राजवंश आएंगे, उन सभी में जितने भी शासक होंगे वह एक उपाधि धारण करेंगे। मैंने बताया था कि उपाधि धारण करने एक ट्रेंड चल रहा था। इसी प्रकार प्रभाकर वर्धन ने भी दो उपाधियाँ धारण की। कौन कौन सी, पहली धारण की परम भट्टारक और दूसरी महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रभाकर वर्धन ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अब चलते हैं प्रभाकर वर्धन की फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम था यशोमती, इसे आप नोट कर लें। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम क्या था, यशोमती था। अब इनकी तीन संतानें थी। तीन संतानें कौन कौन सी थी, पहली थी राजवर्धन इनका पुत्र, यानी कि दो पुत्र थे और एक पुत्री थी, राजवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री। इनमें से इनकी बेटी जो राज्यश्री थी, इसका विवाह ग्रह वर्मा के साथ कर दिया जाता है। ग्रह वर्मा मौखारी के शासक था, ग्रह वर्मा, इसके साथ कर दिया जाता है। अब आपसी विवाद के कारण मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी और राज्यश्री को, जो कि ग्रह वर्मा की पत्नी थी, उसे बंदी बना लिया। अब इसका पता चलता है राज्यश्री के भाई राज्यवर्धन को, तो इसका बदला लेने राज्यवर्धन निकल जाता है किससे, देवगुप्त से युद्ध करने।
और देवगुप्त को मारकर इसने अपने अपनी बहन के अपमान का और अपने जीजा का जो इसने हत्या की थी उसका बदला लेता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाता है, इसका पता चल देवगुप्त की हत्या का पता चल जाता है देवगुप्त के फ्रेंड जो कि गौड़ नरेश शशांक थे उसको पता चल जाता है कि राज्यवर्धन ने उसके मित्र की हत्या कर दी है। तो गौड़ नरेश शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर देता है, यहाँ पर ये भी अपने फ्रेंड की मौत का बदला लेता है। यहाँ फ्रेंड्स सबसे पहले किसने हत्या, सबसे पहले मालवा के शासक देवगुप्त ने रायवर्मा की हत्या की, उसके बाद राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी, अब उसके बाद गौड़ नरेश शासक शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। अब जो गौड़ नरेश शासक शशांक है इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ये सर्वमत का अनुयायी था और इसने ही बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। तो आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था, तो बोधि वृक्ष को गौड़ नरेश के साथ साथ शशांक ने कटवा दिया था। अब पिता प्रभाकर वर्धन और भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन अकेला हो जाता है। तब हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में 606 ईस्वी में थानेश्वर की राजगद्दी पर बैठते हैं। 606 ईस्वी में थानेश्वर की राजगद्दी पर बैठते हैं, कितने वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में। इसे शिलादित्य नाम से भी जाना जाता था, किसे, हर्षवर्धन को शिलादित्य नाम से भी जाना जाता था। अब हर्षवर्धन ने परम भट्टारक की उपाधि धारण की, यहाँ पर इसने भी परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। जिस प्रकार प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, उसी प्रकार हर्षवर्धन ने भी परम भट्टारक की उपाधि धारण की। अब इसके बाद हर्षवर्धन ने अपने पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद जब राजगद्दी संभाला और इसने अपने भाई का जो मृत्यु हुई थी किसने की थी, गौड़ नरेश शासक शशांक ने की थी। तो यह गौड़ नरेश शासक शशांक से युद्ध करता है और युद्ध में गौड़ नरेश शासक शशांक को पराजित कर देता है और उसके साम्राज्य कन्नौज को अपने अंडर कंट्रोल में ले लेता है, यानी कि उस पर कब्जा कर लेता है और उस पर अपनी नई राजधानी की स्थापना करता है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है कि पुष्यभूति राजवंश की दूसरी राजधानी कहाँ थी, तो वह थे कन्नौज, और इसे किसने ट्रांसफर किया था, हर्षवर्धन ने ट्रांसफर किया था। फ्रेंड्स चीनी यात्री वेन सांग जो था, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चीनी यात्री वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चीनी यात्री वेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि आखिर चीनी यात्री वेन सांग भारत क्यों आया था, चीनी यात्री वेन सांग भारत नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आया था। यहाँ से दो कारण से आया था फ्रेंड, पहला इसका कारण था नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना और दूसरा कारण था बौद्ध धर्म से ये चीनी यात्री वेन सांग था ये बहुत ज़्यादा प्रभावित था, तो ये बौद्ध धर्म को सीखने या उसके ग्रंथ को इकट्ठा करने और सीखने के लिए आया हुआ था। यहाँ से तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे फ्रेंड्स, पहला बना कि चीनी यात्री वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया, चीनी यात्री वेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चीनी यात्री वेन सांग भारत क्यों आया था, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने, और तीसरा यह कि बौद्ध धर्म को ग्रहण करने या उसकी शिक्षा बौद्ध धर्म को शिक्षा सीखने के लिए भारत आया हुआ था। अब जो हर्षवर्धन के पूर्वज थे यह सबसे ज़्यादा इनके यानी कि कुल देवता जो थे वो भगवान शिव और सूर्य देवता थे, इसके जो पूर्वज थे हर्षवर्धन के ये भगवान शिव और सूर्य देवता की पूजा किया करते थे, उन्हीं की आराधना करते थे, और प्रारंभ में हर्षवर्धन भी अपने कुल देवता शिव की पूजा किया करता था। लेकिन चीनी यात्री वेन सांग से मिलने के बाद यह पूरी तरह से बदल जाता है, इसे बौद्ध धर्म में इंटरेस्ट आने लगता है। तो चीनी यात्री मिलने के बाद हर्षवर्धन बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है और इसके बाद इसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को ज्वाइन कर लिया, यानी कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा से यह अपने आप को जोड़ लेता है और उसे ग्रहण कर लेता है और पूरी तरह से बौद्ध धर्म को अपना लेता है। अब इसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की महायान शाखा का जो नालंदा विश्वविद्यालय था ये शिक्षा का प्रधान केंद्र बन गया, यानी कि जब हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय में जो सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा था पढ़ाई में या सिखाने में वह था बौद्ध धर्म की महायान शाखा का शिक्षा का प्रधान केंद्र बना दिया गया था, किसे, नालंदा विश्वविद्यालय। अब बाणभट्ट जो था ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, इसने कादम्बरी और हर्षचरित की रचना की थी। यहाँ से बॉर्डर क्वेश्चन बनता है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो थे इसने किसकी रचना की थी, तो कादम्बरी और हर्षचरित की रचना की थी, किसने, बाणभट्ट ने, जो कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। अब इसका इतिहास में बताया गया है कि हर्षवर्धन ने भी बहुत सारे संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना की है,
उनमें से कुछ प्रमुख है प्रियदर्शिका, नागानंदा तथा रत्नावली। इन तीन संस्कृत नाटकों ग्रंथों की रचना हर्षवर्धन ने की थी, लेकिन इतिहास में यह भी बताया गया है कि इन तीन संस्कृत नाटकों की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी, बल्कि हर्षवर्धन ने धावक नाम के कवि को पुरस्कार देकर, यानी कि एक तरह कह सकते हैं पैसे देकर, इन तीन संस्कृत नाटकों को अपने नाम से लिखवाया था और कह दिया था तुम इन संस्कृत नाटकों को लिखो और इन पर नाम मेरा रहेगा, यानी कि इसे का क्रेडिट मुझे जाएगा कि ये तीनों संस्कृत नाटक मैंने लिखे हैं और तुम चुपचाप रहोगे कैसे पैसे लेकर के। तो हर्षवर्धन ने किन तीन संस्कृत नाटकों की रचना की थी? प्रियदर्शिका, नागानंदा तथा रत्नावली। अब बात करते हैं हर्षवर्धन के शासन की व्यवस्था की। तो जो हर्षवर्धन के नीचे यानी कि अधीन अंडर कंट्रोल में जो राजा कार्य करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें महाराज या महासामंत कहकर बुलाया जाता था। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बनता है कि हर्षवर्धन के अधीन काम करने वाले शासकों को क्या कहा जाता था? तो हर्षवर्धन के अधीन काम करने वाले शासकों को महासामंत या महाराज कहा जाता था। हर्षवर्धन ने मंत्रिपरिषद को भी एक नाम दिया था। हर्षवर्धन मंत्रिपरिषद को अमात्य या सचिव कहकर बुलाया करता था। तो यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को अमात्य या सचिव कहा जाता था। इसके बाद बात करते हैं इसकी, ये जो अपने साम्राज्य था, इतना बड़ा साम्राज्य, इसका विस्तार था, तो इसने शासन व्यवस्था किस प्रकार संभाली? तो हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य को भरी भांति चलाने के लिए, यानी कि प्रशासन के लिए, अपने साम्राज्य को छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित कर दिया और इन सभी प्रांतों को भूक्ति नाम से जाना जाता था। छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित किया और भूक्ति नाम से जाना जाता था। यहाँ से बड़ा खोज माना कि साम्राज्य को जब हर्षवर्धन ने छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित कर दिया था तो उन प्रांतों को क्या नाम दिया गया था? उन प्रांतों को भूक्ति नाम दिया गया था। उन प्रांतों को भूक्ति नाम से जाना जाता था। और प्रत्येक भूक्ति में शासन करने वाले शासक को क्या कहा जाता था? इनका भी एक नाम दिया गया था। तो उन प्रत्येक भूक्ति में शासन करने वाले शासक को राजस्थानीय, उपरिक या राष्ट्रीय कहा जाता था। ये तीन नाम दिए गए थे। जो भूक्ति यानी कि जो प्रांत थे उन्हें भूक्ति कहा जाता था। अब जो भूक्ति था उसमें शासन जो करता था उसे राजस्थानीय, उपरिक या राष्ट्रीय कहा जाता था। इसके बाद इसने प्रांतों को जिलों में विभाजित किया था और जिलों को ग्राम में विभाजित किया था। अब जो ग्राम थी वह शासन की सबसे छोटी इकाई थी। सबसे छोटी इकाई कौन सी कराई? ग्राम। जो इसने सबसे पहले क्या किया, अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया, प्रांतों से जिलों में विभाजित किया और जिलों से ग्रामों में विभाजित कर दिया। अब ग्राम के प्रधान शासक को ग्रामच्छ पटलिक कहा जाता था। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ग्राम के प्रधान शासक को क्या कहा जाता था? तो ग्राम के प्रधान शासक को ग्रामच्छ पटलिक कहा जाता था। अब उसके शासनकाल में जो पुलिसकर्मी होते थे या जो छोटे मोटे अधिकारी होते थे उन्हें चाट या भाट भी कहा जाता था। ऐसे बहुत सारे इसने नाम दिए हुए थे अपने साम्राज्य को चलाने के लिए और बहुत सारी नीतियाँ अपनाई थी अपने साम्राज्य को सफलतापूर्वक चलाने के लिए। अब साम्राज्य, इसके साम्राज्य में सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि मथुरा जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए इसके शासनकाल में बहुत ज़्यादा फेमस था। तो मथुरा सूती वस्त्र उद्योग के लिए किसके शासनकाल में फेमस था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में फेमस था। हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। तो हर्षवर्धन जो था वह अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा पुष्यभूति राजवंश, जो कि होता है यहाँ पर समाप्त। मैंने पुष्यभूति राजवंश के लगभग सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या मोस्ट टॉपिक ही बताया है, बहुत ज़्यादा कहानी नहीं सुनाई है। जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था लूसन के बुक में जितना दिया हुआ है उसमें से छांट करके मैंने और दूसरी जगह से भी थोड़ा आपके लिए मैटर इकट्ठा करके ये वीडियो क्रिएट किया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।